नमस्कार दोस्तों, अभी हम दिल्ली के छतरपुर के अंदर हैं। प्रॉपर अभी हम एग्जैक्ट छतरपुर में खड़े हुए हैं और जो मेन जो बस है छतरपुर मंदिर, जो आपने मेन रोड सुना होगा, जो तकरीबन मुझे लग रहा है शायद 80 फुट का रोड सर होगा, इतना होना चाहिए, उससे मात्र 5-7 मकान छोड़कर सर अपना एक मकान बेचना चाहते हैं 25 गज का, 3 मंजिल बना हुआ, 25 गज में ही है, 25 गज में 3.5 मंजिल, सॉरी 3.5 मंजिल बना हुआ है। और जो बस निकल के जाती है ना, देखो वहाँ से निकल के जाती है स्कूटर के पीछे से, शायद आप गाड़ियाँ देख रहे हो, जूम करके अगर देख पा रहे हैं तो आप, वो जो गाड़ियाँ निकल के सामने से जा रही हैं वहाँ से दोस्तों आपकी बस निकल के जाती है, जो दिल्ली की सरकारी बस है। सही कह रहा हूँ सर मैं? देखो मेरा थोड़ा इधर आना कम हो पाता है, यहाँ की सही जानकारी तो मुझे आप ही दे पाओगे। इधर से धोला कुआं के लिए, मेडिकल के लिए बस इजीली मिल जाती है, इजीली मिल जाती है, कोई भी अस्पताल वगैरह इधर तो निकल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एग्जैक्ट अभी इस कॉलोनी का नाम क्या है हमारी का? सत्यानंद कॉलोनी, सतबड़ी। सतबड़ी सत्यानंद कॉलोनी छतरपुर। तो सतबड़ी कॉलोनी अगर कोई डालता है गूगल पे तो सीधा ये खुल के आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, है ना। चलो एक बार पहले मकान देख लेते हैं, बाकी बात हम बाद में कर लेंगे। तक आइए सर। तो ये पूरा अपना यहाँ से इस कोने से लेके सर इस कोने तक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये जैसे नालियों की यहाँ पर क्या व्यवस्था है सर? नालियाँ पक्की नाली भरी हुई है। पक्की नालियाँ, कोई दिक्कत नहीं? ना, ना, ना। अच्छा एंट्री करते इधर वॉशरूम है? हाँ ये स्टार्टिंग में। वाह जी वाह, वॉशरूम दिखा दो जरा एक बार। ये अंदर जैसे आप एंट्री करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको वॉशरूम देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद 25 गज थोड़ी जगह कम होती है, लेकिन जिनको चाहिए ही 25 गज बोले, हमें तो भाई छोटी सी जगह चाहिए दिल्ली में सेंटर में कहीं अच्छी जगह रहने के लिए, तो फिर आप इसको चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये आपकी गली आती है और एक रूम आपको नीचे ये मिल जाता है, जिसमें दोस्तों इनका एक बेड बिछा हुआ है, बेड के साथ में एक सोफ़ा आप देख सकते हैं, पीछे टेबल है, ऊपर इस तरीके से डेकोरेशन, फॉल सीलिंग वगैरह, एक अलमारी इन्होंने यहाँ लगा रखी है, प्लस एक कूलर लगा रखा है वेंटिलेशन के लिए भी। और वेंटिलेशन की हाँ मैं आपको बताना भूल गया, वेंटिलेशन क्या है कि देखिए ये जो मकान है वो तो सिंगल साइड मकान है सर, फेसिंग कौन सा लगता है इस मकान के इधर, जैसे हमने जिधर से एंट्री करी है? नॉर्थ। नॉर्थ फेसिंग है, बहुत बढ़िया जी। तो ये वेंटिलेशन हमने दे रखा है तो प्लॉट कॉर्नर है कि क्या सीन है इसका, थोड़ा बताइए। साथ में गली है ना? ओके। हाँ जो पीछे लोग रहते हैं, है तो पर्सनल गली उनकी, हाँ लेकिन गली है तो फिर हमें वेंटिलेशन का मिल जाता सपोर्ट। बहुत बढ़िया जी, भले आदमी है वो, उन्होंने कभी इनसे मना भी नहीं किया, वो आपसे भी मना नहीं करेंगे अगर आप इसमें रहेंगे भी, तो क्योंकि उनका तो कुछ लग नहीं रहा, उनका घर एक्चुअली पीछे है। वो अभी आप एक बात बता रहे थे जैसे प्लॉट 200 गज का था, तो क्या मसला था इसका, थोड़ा बताइए। हाँ ये 200 गज का प्लॉट है, 200 में से यानी 25 गज हमारा हो गया, ओके, 75 गज पीछे वालों का हो गया, ओके, और जो साथ में है उनके पास 100 गज है। 100 गज है, हाँ। बाकी किसी का किसी से कोई किसी भी तरह का लिंक नहीं है, सबका सेपरेट है, अलग अलग, किसी तरह का कोई मसला नहीं है सर? इस मकान में रहते हुए 22 साल तो मेरे को हो गए। अच्छा जी, वैसे पीछे से सर कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब से। ग्रेट, पंजाब से। चलो एक बार ऊपर देख लेते हैं। तो अच्छा इससे ठीक ऊपर फ्लोर सेम ऐसा ही है कुछ? हाँ, अलग सेम है? ऐसा ही है, बिल्कुल ही सेम एज इट इज ऐसा ही है। कमरे जो बने हुए हैं ऐसे ही बने हुए हैं। फिर किचन का उसका क्या सीन है? किचन का आगे हमें बालकनी का सपोर्ट मिल गया तो देखते हैं ना ऊपर। आ जाइए प्लीज आप, चलिए आगे, मैं आपके बीच चलता हूं। आ जाओ। 25 गज के लिए काफी लोग फोन भी करते थे कि भाई कोई 25 गज का हो, 30 गज का हो, छोटा हो जगह जिसमें हमारा काम हो जाए। बिल्कुल, तो जरूर दिखाइए दिल्ली सेंटर। इधर ये बालकनी का एरिया मिल गया तो वेंटिलेशन के लिए भी काफी। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये आपको बालकनी यहाँ मिल जाती है, ये पूरा गेट खुल जाता है। बहुत बढ़िया जी, इधर साथ में ये अपना वॉशरूम हो गया, बहुत बढ़िया। बीच में किचन आपने दे दी, इंग्लिश टॉयलेट लगाई हुई है, और पीछे इन्होंने बेडरूम अपना लगा। एक बार थोड़ा सा दिखाइए, कोई है तो नहीं अभी इसमें? नहीं नहीं कोई नहीं, आ जाइए आप एक बार ये दिखाइए। अच्छा ये पूरी बीच में ओपन किचन है, बहुत बढ़िया। बता रहे थे ना हम आपको छोटी जगह है लेकिन अच्छी जगह है, इसमें भी अपना वेंटिलेशन प्रॉपर। बहुत बढ़िया जी, तो वेंटिलेशन वॉशरूम में भी साथ में दे रखा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी में, मतलब किचन का, वॉशरूम का, कमरे का, आपको हर रूम में यहाँ पर वेंटिलेशन देखने के लिए मिलेगा। किचन में भी वेंटिलेशन है, एग्जॉस्ट फैन के लिए लगाया हुआ है। अच्छा। लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी एग्जॉस्ट फैन की, इतना वेंटिलेशन मिला हुआ है। ये देखिए इसमें एक बेड भी बिछा रखा है इन्होंने, कूलर, ऊपर फॉल सीलिंग है, लाइट वगैरह सब एकदम ओके कर रखा है सर। जैसे कंस्ट्रक्शन की बात करें, एरिया की बात करें, तो कितना एरिया होगा इसका? मतलब एरिया तो मैं समझ गया, लंबाई चौड़ाई की मतलब मेरे बात कर रहा हूँ। ये मेरे ख्याल 10x कितना होता है? 10x 22-23 होगा शायद। 10x22 मतलब 10 फुट की इसकी फ्रंट है, बाकी हाँ, जो है वो बाकी जो होगा अपना, आप हिसाब लगा लेना, गुणा करके उसमें 9 का भाग दे देना। आ जाइए इसे ऊपर चलें थोड़ा सा सर हम। हाँ बिल्कुल, ये हमारा पहला मंजिल है। हाँ अब जा रहे हैं, ये सेकंड फ्लोर है, ये फर्स्ट हो गया नीचे अभी जो देख रहे थे। आइए जी आइए, ये अब सेकंड है। आ जाइए ऊपर, यहाँ रुकेंगे हम बिल्कुल छोटे से ब्रेक के लिए, इसलिए उसके बाद वापस इस पूरे मकान की वीडियो को देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं दिल्ली NCR में स्थित ग्रेटर नोएडा भारत के टॉप शहरों में से एक है। इसको इतने एक विशेष मास्टर प्लान पर डिजाइन किया गया है,
कि जिसके अंदर आपको 60% सिर्फ ग्रीनरी यानी कि हरियाली देखने के लिए मिलती है, बाकी 40% जो ज़मीन है पूरे शहर की उसमें आपको यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, बिजनेस पार्क, बिजनेस हब, रेजिडेंशियल फ्लैट्स, बड़े बड़े टावर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी शहर के अंदर आपको एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसी शहर में आपको फिल्म सिटी देखने के लिए मिलती है और इसी शहर के अंदर आपको गूगल का डेटा सेंटर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हज़ारों करोड़ के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इसी शहर में बनाकर तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे तैयार हो चुके हैं, बहुत सारे महीने, दो महीने, छः महीने, साल भर में शुरू होने वाले हैं। और इसी शहर के बीचों बीच में नॉलेज पार्क टू मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल करीब से एक 70 बीघे की सोसाइटी बनाकर तैयार करी है। इसके मात्र 200 मीटर की दूरी पर आपको भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज देखने के लिए मिल जाते हैं जिनकी संख्या 60 से 70 है, जिसमें आपका एक्यूरेट कॉलेज है, लियॉर्ड कॉलेज है, MIT यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे टॉप कॉलेजेस यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने कम इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐसी लोकेशन पर एक कमरे का जो किराया है छोटे से छोटे कमरे का वो 10,000 रुपये महीना है। सोसाइटी के अंदर आपको CCTV कैमरा, गार्ड, इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज जैसी सारी आपको आधुनिक सुविधाएं मिलने वाली है। रजिस्ट्री म्यूटेशन के साथ में यदि आप उस सोसाइटी के अंदर प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर फ़ोन कर सकते हैं। रेट है मात्र 22,000 रुपये प्रति गज से 24,000 रुपये प्रति गज का, ईजी पेमेंट प्लान है। बाकी जानकारी के लिए हमने स्क्रीन पर आपको नंबर दे रखा है, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं। अलमारी कपड़े वगैरह रखने के लिए, हाँ ये वैसे ही अपने कपड़े छोटी आपने सेट कर रखी है। इधर देखो वॉशरूम के ऊपर वॉशरूम है। अच्छा सर थोड़ा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करते हैं, जैसे कब का कंस्ट्रक्शन है मकान का इसका? इसको सर 3 साल के आसपास हो गए। 3 साल अभी हुए हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब लगभग नया पेंट आपने एक आध बार और करवा दिया इस पर या पहली बार अभी हुआ है? इस कमरे में नहीं हुआ। अच्छा इसमें अभी कराना था, अभी रह गया है, इसमें अभी नहीं हुआ, इसमें पुराना ही चल रहा है। इसमें पुराना चल रहा है, ग्रेट। मतलब पहली बार पेंट हुआ है। फ्रीज, कूलर, अलमारी, बगल में अलमारी, एक वैसी अलमारी, बेड और इधर एक वैसी अलमारी, इतना सारा सामान दोस्तों आपके इस कमरे में आ सकता है। तो ये आपका कमरा है, किचन, वॉशरूम सब कुछ आपने देख लिया। एक बार सर ऊपर छत पे थोड़ा जाके ना आसपास का हम एक बार व्यू देखना चाहते हैं। ठीक ठीक ठीक, आ जाइए। इससे होता क्या है कि कई दफ़े ये तो पता ही होगा पैसे लोकेशन के होते हैं, हाँ, लोग घर बैठ के जानना चाहते हैं कि जो मकान है उसके आसपास का माहौल कैसा है। इसमें ये निकली हुई है बाहर। अच्छा एक बात और बताइए, जैसे दिल्ली सरकार का जो पानी है या बाकी और सुविधाएं हैं, हाँ, जो अप्रूवल जगह पर मिलती हैं वो सारी यहाँ पर मिलती हैं? बिल्कुल, पानी के भी दो कनेक्शन है। दो कनेक्शन है हमारी जगह है ये बिल्कुल अप्रूवल के अंदर आती है या किस तरह से आती है? ये सब पहले अप्रूवल नहीं थी, लेकिन अब ये जो बोर्ड लग गया है ना तो ये कानूनी रजिस्टर्ड हो गई है। ये अभी 5-7 दिन पहले ही जो बोर्ड बाहर जो देखा ना नीले रंग का रजिस्टर नंबर, मतलब अभी अप्रूव्ड कॉलोनी है इसका। हम लोग देखो बोर्ड वो लगा के गए हैं, कह रहे हो गई है, देखा मैंने भी नहीं है, लेकिन कॉलोनी वाले तो सारे कह रहे हैं कि अप्रूव हो गई है। अच्छा आप मतलब पिछले किस फील्ड से हैं थोड़ा सा बताएंगे प्लीज? मैं सर जॉब करता था फार्मास्यूटिकल। अच्छा ये पूरा यहाँ का आसपास की बसावट है भाई, चारों तरफ की। पानी की 2 टंकी है, एक ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा इस तरह से आप बता रहे थे इसको 3.5 मंजिल है, क्योंकि इसमें आप सब ये हमारा स्टोर रूम भी है, वो साउथ दिल्ली के अंदर आता है वैसे, साउथ दिल्ली में, साउथ दिल्ली में। हाँ लेकिन मेहर कई दफ़े लोग मुझे फ़ोन करते हैं, बोले छतरपुर में कुछ हो अच्छा हो तो दिखाओ, छोटा मकान दिखाओ, बड़ा मकान दिखाओ। ये पूरा सीन है भाई, 10 फुट का इसका फ्रंट है, बाकी गहराई है, बाकी जानकारी आप सर से लेंगे। फिलहाल 2-4 बातें मैं जल्दी में यहीं पूछ लेता हूँ, नीचे बैठ के चाहता था लेकिन कोई मसला नहीं, यहीं पूछ लेता हूँ मैं। सर एक जैसे आपने ये खरीदा था तकरीबन 22 साल पहले, हाँ जी हाँ जी, तो आपने 22 साल पहले का मकान तो आपने अभी 3 साल पहले खत्म किया, वो तोड़ के उसके बाद फिर आपने नया बनाया, तो आपने इसका रजिस्ट्री करवा रखा है अपने नाम पर? नहीं, पावर ऑफ नहीं है, वो मेरे नाम ही है। आपने पावर ऑफ करवा रखी है। जैसे अब कोई इसको खरीदता है तो खरीदते वक्त लोन वगैरह का क्या मतलब मसला होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा? अभी तो फिलहाल पावर ऑफ नहीं है, उस पे लोन होगा कि नहीं होगा वो मैं नहीं बता सकता। करते हैं देखो, उत्तम नगर की तरफ कई दफे लोग मुझे बताते भी हैं कि वहां पर लोन हो जाता है, बाकी आप अपने किसी लोन वाले से बात कर लेना। छतरपुर में दयानंद नगर बोलते हैं इसको, सत्यानंद कॉलोनी सतवड़ी। तो आप किसी से पता करेंगे लोन वाले से तो वही आपको खुद बता देगा, बाकी सर से नंबर लेके एग्जैक्ट यहाँ का एड्रेस नोट करके आप उस पर भी जानकारी कर सकते हैं। फाइनली हम रेट की बात करते हैं, क्या रेट इसका है, मान के हम चले थोड़ा जेनुअन रेट बताना, कोई मसला नहीं, लोग बड़ी समझदार हैं। देखो जी अभी जो फिलहाल डिमांड है वो है 28 लाख की। 28? हाँ जी। ओके जी, 28 लाख रुपये में पूरा बना हुआ, जगह कितनी मान के चलें इसको हम? 25 गज जगह। ओके अच्छा यहाँ ज़मीन का सर क्या रेट होगा, एक लमसम आइडिया? वैसे देखो जहाँ मकान बन चुके हैं ऑलरेडी, वहाँ पर कॉलोनी कट चुके हैं, वहाँ रेट का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जब व्यक्ति खरीदती तभी लग सकता है, नई कॉलोनी कट रही तो उस पर तो सेल रेट लिखी होती है भाई 25,000 रुपये गज, 38,000 रुपये गज है जी, 60,000 रुपये गज। फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपकी नज़र में कोई महीने, 2 महीने, 6 महीने पहले कुछ इधर उधर बिका हो तो प्लीज़? सर यहाँ तो अभी तक कोई काफ़ी टाइम से बिका नहीं है, बाकी एक साथ में बिका था
वो भी था मेरे ख्याल 200 गज का है, अब वो कितने में लिया है मेरे को, मेरे ख्याल 1.5 करोड़ के आसपास लिया है उसने या कितने में लिया है। 200 गज का बना हुआ मकान? नहीं नहीं बना हुआ था, कच्चा पक्का सारा तोड़ दिया उसने। अच्छा अच्छा, अब दोबारा बना रहा है, पुराना खंडर टाइप का। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके जी, 1.5 करोड़ में 200 गज का। हाँ हाँ ग्रेट। यहाँ सब लोगों का जीपी होता है या किसी ने रजिस्ट्री भी करवा रखा है? नहीं, रजिस्ट्री भी है लोगों की। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो सन 43 से रहे, वो सॉरी 73 से रह रहे हैं। ओके ओके। यहाँ जो प्लॉट कटे थे वो 73 में कटे थे, तो 90 के बाद बंद हो गई थी। ओके। तो हमने तो 90 के बाद यहाँ लिया था, हमें इस रहते हुए यहाँ पर 22 साल हो गए। ओके जी। तो पावर अटॉर्नी हम कुल मिलाकर हमारी ये जो जगह है वो पक्की दिल्ली के अंदर है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। इस कॉलोनी का भी नाम है, मेरे पास लिस्ट है वैसे उसकी, अब जो लिस्ट उन्होंने जारी की है। ओके। तो वो पास हुआ है या नहीं हुआ, बाहर मेन रोड पे तो बोर्ड उन्होंने लगा दिया की पास हो गई है। अच्छा। रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है। हाँ तो फिर हो चुकी है इसका। हाँ तो मैंने ज्यादा भी खोजबीन की नहीं है अपना, वो अपना चाहो तो आप कर सकते हो उसके ऊपर। बाकी जानकारी दोस्तों आप सर से लेंगे। सर एक बार अपना नाम आप बता दीजिए, कहाँ क्या है? घनश्याम मलिक। घनश्याम मलिक साहब इनका नाम है दोस्तों। और एग्जैक्ट इस मकान का एड्रेस क्या है? हाउस नंबर 77 जी, सत्यानंद सतबड़ी कॉलोनी। ओके। न्यू दिल्ली 74। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, एक बार आप बोल दो, आपके कहने से हो सकता कर लें ये लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक बटन दबा दो। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, और थोड़ा सा ख्याल कीजिए इनका भी। आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसका जवाब हम आपको रिप्लाई में देंगे, या फिर सर के नंबर पर आप फोन भी कर सकते हैं। तो छतरपुर का मेन रोड है, इधर सीधा आपका छतरपुर है, इधर है आपका डेरागांव और राधा स्वामी सत्संग का जो वो एरिया, फिर उधर से गुड़गांव होते हुए सीधा फरीदाबाद के लिए भी निकल जाते हैं। ये यूनियन बैंक आपकी बगल में है, उसके ठीक बगल में दोस्तों ये आपकी है रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, और देखो इस पर लिखा भी है रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि ये कॉलोनी रजिस्टर्ड हो चुकी है, रजिस्टर्ड कॉलोनी सत्यानंद कॉलोनी के अंदर दोस्तों ये मकान है जो आप देख सकते हैं। ट्रैक्टर भी मकान के अंदर जाता है, यानी कार गली में होकर आपकी निकल जाती है।